वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम डायलॉग में आवां के बीर खुश आमदीद चवां था। पीर इलाही बख्श साहब कड़े किस्म की शख्सियत है, जनरली इन हवाले खान ना तो मिनिस्टर एजुकेशन हुआ जाहिर है तो ताजी नौकरी भी उन्होंने ख़त्म कई। कत नज़र इन्हें जी पीर इलाही बख्श की सियासत जहाँ सिंध से जो हकारी या नाकारी असर पाया उन बारे में तुम चवंद। पीर इलाही बख्श पंजे सिलसिले में को असर रसूख रखंदड़ न हो। ये अचे दादू जिले के में कें गोठ में वेठा असुल तो शायद सराइकी एरिया मजा बहावलपुर मजा किथा आया को एक या ब उनकी जनरेशन इतने सिंध में आई हुई, पर चूंड मझ इन के हाल के मखदूम मझ मदद हुई तें करे चूंड खटी आयो हो। उन जमाने में साईं जी एम सर जी बंगले में रहंदो हुयो, कराची में पंहिंजो घर बि कोन हूंदो हुउसि त आउं बि उते रहंदो हुउसि। चारि साल जेके कॉलेज जा मां पढ़ियासीं उते रहंदो हुउसि ऐं कॉलेज जी तइलीम पूरी कई त मुंहिंजो वाक़ुफ़ बि हुयो। ऐं जॾहिं चूंडूं थियूं त पहिरीं त वज़ारत में पीर लाइबे कोन हो, पर ॿीअ वज़ारत में जी एम सैद हिन खे वज़ीर बि जी एम सैद बनायो हो। ऐं पोइ सैद जे सिलसिले में गश्त में निकितो सॼे सिंध में, ऐं पोइ इहा हुनखे स्लोगन ॾिना विया जी एम सैद वारनि ॾिना त जेके अमलदार आहिनि ब्यूरोक्रेसी जेका आहे तुंहिंजो तमामु घणो ज़ोर आहे, हुनजो ज़ोर खोटणु घुरिजे। ऐं इहो नारो हुयईं त जेके अमलदार आहिनि से हाकम न आहिनि पर खादम आहिनि मुल्क जा। इहो हिकिड़ो नारो खणी ऐं पीर लाइ बख़्श सॼे सिंध में निकितो हुयो। पोइ हुन सां गॾु ॿिया बि ॿ टे माण्हू हुआ ऐं इन तरह सां हू पंहिंजी सियासत हलाईंदो रहियो। पोइ अॻिते हली पोइ मुस्लिम दाख़िलु थियो। उहो वरी सुवाल क़िसो हिकिड़ो ॿिए क़िस्म जो आहे त जी एम सैद कॾहिं मुस्लिम दाख़िलु थियो ऐं छो दाख़िलु थियो, कीअं निकितो ऐं उन हीउ त निकिरी आयो, पर तंहिं विच में पीर लाइ बख़्श वरी हुननि जो वञणु थी वियो हलियो पंहिंजो लॉयल्टीज़ मटाए। जॾहिं सैद खे मुस्लिम लीग मां कढियो वियो या मुस्लिम लीग मां पाण निकितो 1942 में, 38 में दाख़िलु थियो जी एम सैद मुस्लिम लीग में, 38 खां अॻु में मुस्लिम लीग में न हो। पर साईं साईं जी एम सैद मुस्लिम लीग 1946 खां पोइ छॾी आहे। हा हा, 46 में आई एम सॉरी 42 में ॼण त दाख़िल थियो, 38 खां पोइ 46 ताईं अचे टे चारि साल हुयो, पर हुनखे पोइ कढियो वियो 46 में। उन खां अॻु में मुस्लिम लीग सां हिन जो जेको इख़्तिलाफ़ु हो सो शुरूआति में ई पैदा थी पियो हो। उहो इख़्तिलाफ़ु इहो हो त मुस्लिम लीग त प्रोविंशियल मुस्लिम लीग जेका आहे सा सिंध में पंहिंजनि फ़ैसिलनि करण जी पाण मुख़्तियार आहे, जेका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आहे उन जो सिंध जे मुस्लिम लीग जे फ़ैसिलनि करण में एॾो अख़्तियार न हुजणु घुरिजे, इंटरफेरेंस दस्तंदाज़ी न हुजणु घुरिजे जेतिरी थी रही आहे। वर्किंग कमेटी बराबरि ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी आहे ऐं ख़ासि तरह सां जेको चूंडूं थियूं 46 में ॿ चूंडूं थियूं, हिकिड़ियूं थियूं शुरूआति में, ॿियूं डिसंबर 46 में। त इन्हनि ॿिनि में जेके टिकेट्स ॾियण जो मसालो आयो उन ते हेकारी इहो जेको आहे इख़्तिलाफ़ु जी एम सैद जो, उन ज़माने में जी एम सैद प्रेसिडेंट हो प्रोविंशियल मुस्लिम लीग जो, ऐं जेका पार्लियामेंट्री बोर्ड ठहियो प्रोविंशियल पार्लियामेंट्री बोर्ड मुस्लिम लीग जो, उनजो प्रेसिडेंट हुयो। त हू न चाहियो थिए त जेके नयूं चूंडुनि में टिकेटूं प्रोग्रेसिव माण्हुनि खे मिलनि ऐं कॉम परस्ट माण्हुनि खे मिलनि ऐं मज़हब जे सिलसिले में न मिलनि, छो त हुनजो मुस्लिम लीग में दाख़िला ई जेका थी सा हिकिड़ी कंडीशनल, जीअं चइबो आहे त विथ हिज़ ओन रिज़र्वेशन थियूं हुयूं। उहो थियूं इन करे त हिंदू जेके आहे से सिंध असेंबलीअ में जेके अवाम जे भलाई जा बिल ईंदा हुआ ख़ासि तरह ॿ, हिकिड़ो लैंड एलिनेशन बिल ऐं ॿियो डेट रिकनसिलेशन बिल,
ऐं ॿियो एंटी जागीरदारी बिल। त एंटी जागीरदारी बिल में त मुस्लमान हिंदू सभई गॾु हुआ, मुस्लिम लीग वारा थोरी ॿिया सभई एक्सेप्टिंग कांग्रेस ऐं ॿिया जेके जीएम सद जहिड़ा माण्हू जेके अवाम दोस्त माण्हू हुआ उहे ॼण डिवाइडिड हुआ, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीज़ बट ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स। साईं जो साहिबु, तव्हां सां कचहरी जो सिलसिलो जारी रहंदो। नाज़रीन, हिते वठंदासीं हिकिड़ो नंढो ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम डायलॉग में आऊं तव्हांखे ॿीहर ख़ुशि आमदीद चवां थो। अचो त जोयो साहिब सां गुफ़्तगू जो सिलसिलो वरी कंटिन्यू करियूं था। साईं जोयो साहिब, तव्हां जीअं ॻाल्हि कई त सिंध में टे बिल, सिंध असेंबली में टे बिल पेश कया विया, जेको एंटी जागीरदारी बिल हुयो, छा साईं जीम सद हुन बिल जो हामी हुयो या मुख़ालिफ़ु हुयो? एंटी जागीरदारी जे पासे हो, बिल जी हिमायत में हो। ऐं ॿिया जेके ॿ बिल हुआ जिन ते कॉन्ट्रोवर्सी या इख़्तिलाफ़ु हुयो घणो, पूरा 98 साल कानून इंतकाल एराज़ी ऐं कर्ज़नि जे सिलसिले में, जंहिंखे रीट डेट रिकंसिलिएशन बिल ते चयो वियो, उन्हनि बिलनि जे बि फ़ाइदे में हुयो। ऐं टिन्ही बिलनि जे सिलसिले में अजीब सूरत हाल सिंध असेंबली में हीअ अचे बीठी हुई, जो एंटी जागीरदारी जे सिलसिले में त केतिरा हिंदू मुस्लमान हुआ मुख़ालिफ़ ऐं गॾु पाण में, पर हुननि जे सिलसिले में फ़क़ति हिंदू जेके हुआ से उनजे ख़िलाफ़ु हुआ। पर साईं, हिते ॻाल्हि अचे थी साईं जीअं साहिब, त हिकिड़ी वॾी तनक़ीद इहा बि थींदी रही आहे त 1946 जे इलेक्शन्स में साईं मुस्लिम लीग जे सूबाई सदर जी हैसियत में 16 मां 15 टिकेटूं सैदनि खे ॾिनियूं, ऐं साईं जागीरदार हल्के जो जे हक़नि जो या उन्हनि जे मफ़ादनि जो निगरानो, इहो केतिरे हद ताईं सही आहे? इहा ॻाल्हि जेका आम कई थी वञे, जेका तव्हां चई आहे, सैद साहिब जी जेका मौक़ुफ़ु हो सो बिल्कुलु हुन जे ख़िलाफ़ु हुयो। जिन्ना सां सैद साहिब जेका ॻाल्हि कई हुई मुस्लिम लीग जे शामिलु थियणु वक़्तु, सा इहा ई हुई त हिन वक़्तु जेके मेंबर चूंडजी आया आहिनि समूरा जागीरदार ज़मीनदार आहिनि मुस्लमान ख़ासि तरह, हालांकि मेजॉरिटी हुनजी तमामु हिकिड़ी मार्जिनल मेजॉरिटी आहे बिकॉज़ ऑफ 1940 एक्ट ऑफ इंडिया इन क़िस्म जो हुयो, पर इन्हनि जे हूंदे असीं कंहिं बि क़िस्म जो अवाम दोस्त कानून साज़ी नथा पिया करे सघूं। त जना साहिबु हिन खे चवंदो रहियो त शाह साहिबु परवाह न करियो, ॿियूं जेके चूंडूं थींदियूं तंहिंमें असीं अहिड़ा मेंबर चूंडाराईंदासूं पाण जेके इहे अवाम दोस्त क़िस्म जा जेके आहिनि बिल से पास करण में असांजी मदद कंदा। जॾहिं इलेक्शन थियूं 1946 जे शुरू में, त डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकेट्स जो मसइलो आयो, त ज़ाहिर आहे त जेके मफ़ाद मुस्लमाननि जे सिलसिले में मौजूदु हुआ, अॻे ई मेंबर हुआ या हुननि खे पंहिंजे सियासत में कुझु स्टेक हुयो आहे, उन्हनि हर कंहिं चाहियो त असांखे टिकेटूं मिलनि। ऐं सैद जे चवण जो मतिलबु हो त कम अज़ कम कुझु हिसो टिकेट्स जो यंगस्टर्स खे, प्रोग्रेसिव्स खे, मोर इनलाइटन्ड हुजनि माण्हू, उन्हनि खे मिलणु घुरिजे। ऐं उन करे हुन चयो त मुंहिंजो रायो बि हिन में न शुमार कयो वञे, पर जेको असां सिंध पार्लियामेंट्री बोर्ड ठाहियो आहे उन्हनि जे रिकमेंडेशन्स खे वधीक अहमियत मिले। ऐं चुनाच ईअं हुननि जेको फ़ैसिलो कयो त हू जिन्ना वटि विया, लियाकत अली वारनि वटि विया, या जेको सेंट्रल बॉडी हुई उन्हनि चयो त न, हुननि जो चवणु मञो, जेके ज़मीदार हुआ, जागीरदार हुया, या पंहिंजूं विरसे वांगुरु पंहिंजा रखियो वेठा उमेदूं पंहिंजे इक़्तदार जूं,
प्रोग्रेस मैन इनलाइटन मैन केतरा मानू रुगो जमींदारी या हिते तो को सिंध में या बियन मुल्क में जेके सोशलिस्ट मानदा न हुआ तन में जेका पॉलिटिक्स थी थे उन्हें में केतरा शाहूकार मानू जेके सोशलिज्म डा जड़ा आमदा था थन सोशलिज्म डा हाँ यस हो यस मानू यस सर्टेनली सर्टेनली ये बई मानू जेके चाहूँ था प्या बई मानू जेके आ खास तरह ये बई मानू जेके आ सैयद जा पंजा मुतमद मानू हुआ ए तंखा पो बिया गुलाम भी पठान हुयो वो भी जमींदार हो अड़ी तरह सा मसलो ही को बिन चैन पंजन टिकेटों ते हुयो सबई वन खयूं थे पी जनाब उन पास लियाकत अली उन पास गुलाम सर गुलाम सन भी उन पास मीर टालपर से उन्होंने पास एक वही किस्म की हुई ना था असर रसूख तो जीएम सैद एडी मेहनत कई है मुस्लिम लीग के मूँ अवामी जमात में तब्दील किया है वो फकत वन अमीर की जमात हुई पॉलिटिक्स हुई तो पहरे दफे भी क्यों पह दफे तो चूडू थी चूडू में एडी वसूलत हाल थी जो सैयद साहब मुस्लिम में होंदे भी कांग्रेस जा मेंबर हिंदू मेंबर ए इंडिपेंडेंट मेंबर थी आया बोला बखे जड़ा मानू उन मिलाए अठावीह बटीन ताई अठावीह बटीन ताई उणटीह एकटीन ताई अची पई एतरे ताई जो जडे चूंड पंजो वोट छा बजट में बजट जा पहिरें इलेक्शन जे रिजल्ट में जेका ठही असेंबली त उन में मुस्लिम लीग ड्रही थे वई ऐं जी एम साहिब जेका धुर ई ॿुधो ई वाज़ मुस्लिम लीग त हीउ हिकिड़ो प्रोविंशियल मुस्लिम लीग ऐं सेंट्रल मुस्लिम लीग जे विच में हिकिड़ो क्लैश ऑफ इंट्रेस्ट हुयो ऑन नेशनल बेसिस पोइ गवर्नर साइडेड दी सेंट्रल मुस्लिम लीग सर ग़ुलाम हुसैन हिदायतुल्ला ऐं हू चूंडूं कलदम करे नयूं चूंडूं कयूं वयूं डिसेंबर 1946 जूं एट द एंड ऑफ 46 उन में त सैयद खे बिल्कुल ही समत न ॾिनऊं ऐं सैयद बिकॉज ऑफ हिज रिकॉर्ड ऑफ इन फाइट अगेंस्ट मुस्लिम लीग ही वॉज़ रिमूव्ड हाणे इहो जेको मसालो हुयो कम्यूनलिज़म जो सो सिंध जे में ख़ासि तरह जे सिंध जे कॉन्टेक्स्ट में चवंदा हवाले सां त सम्झण जहिड़ी ॻाल्हि आहे त मुस सेपरेट इलेक्टोरेट अंग्रेज़नि 1908 में राइज कया लॉर्ड मिंटो जेको हुयो उन खां अॻु में लॉर्ड कर्ज़न हुयो जंहिं बेंगाल खे डिवाइड कयो हो उन ज़माने में डिवीजन ऑफ बेंगाल उनखे कम आई ॻाल्हि थिए त डिवाइड एंड रूल में असांखे इहो कमु करणु घुरिजे पर उन में न फमी सघिया लॉर्ड कर मिंटो जे ज़माने में इहो फ़ैसिलो मिंटो वारनि खे कंहिं सलाह ॾिनी पंहिंजे माण्हुनि त इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग कंट्रीज लैंड डिवाइड द पीपल इलेक्शन खे तव्हां सेपरेट कयो इलेक्ट्रिक सेपरेट इलेक्टोरेट हुजे ऐं नेशनल इलेक्टोरेट न हुजे पोइ जॾहिं उहे थियूं त पोइ बंगाल जी डिवीजन बि ख़तमु थी वई ऐं तंहिंखां पोइ वेंदे 37 जेका इलेक्शन थी तंहिं में टे इलेक्शन थियूं थियूं से सभई इलेक्शनूं थियूं थोरियूं घणियूं लोकल बॉडीज़ वग़ैरह जे लेवल ते जेके थियूं सभई सेपरेट इलेक्टोरेट थियूं इलेक्शन थियूं 36 में इलेक्शन जेका थी 1935 एक्ट ऑफ इंडिया तहत उहा बि ईअं थी हाणे इहा जेका सेपरेट इलेक्टोरेट हुई सा मुंड हुई बुनियाद हुई सॼे हिंदुस्तान में सॼे पॉलिटिक्स खे कम्युनलाइज़ करण जो टू नेशन थियरी जे सिलसिले में ऐं उहा उनजो असरु सिंध जे असेंबली जे प्रोसीडिंग्स ते इहो थिए पियो
the national politics in a parliament became impossible. 1947 में पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म थे या सियासी माहौल में वन यूनिट हिकड़ो वो जेके मफाद का तो एंटी वन यूनिट तहरीक जैसे 1947 का वी 56 तबर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान न थे पे थी बंगाल वाला हा ही हा हिंदू हा मुसलमान हुआ वगैरह वगैरह तो मेजॉरिटी जो हुई ईस्ट बंगाल बंगाल की उतरे के मान खास तरह अंडर द लीडरशिप ऑफ पंजाब काबिल कबूल न हुई तोड़ो ही सूबो जो है सो इरिवर्सिबल मेजॉरिटी पी कायम रखी वेही रहे उनके कि अस हल करूँ तो उनमें असेंबलियों महमल क्यों व्यू खत्म क्यों व्यू तो मार्शल लॉ आयो अयूब आयो 1956 में अयूब पान के बिल्कुल मार्शल लॉ डिक्टेटर तौर हाँ उन्हें थींदे वेंदे वन यूनिट 46 में पान अयूब चो मुझे प्रोपोजल यो है पान अगर कबूल कई अयूब तो क्लेम किया ये मुझी थिंकिंग हुई ना हाँ हाँ दादा हाँ तो माना तो वन यूनिट तो जो शुरू हुई इतना थी तो देर शुड बी पैरिटी बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट इहा गाल पंजाब के काबिल कबूल हुई तो विथ पैरिटी एंड वोट्स ऑफ वेस्ट पाकिस्तान जॉइंट टुगेदर अंडर वन यूनिट विथ अवर इन्फ्लुएंस ऑन मिलिट्री एंड ब्यूरोक्रेसी वी विल बी एबल टू मीट द चैलेंज फ्रॉम द ईस्ट पाकिस्तानी पीपल तो तुम 73 में जो चूंड वरी थी चूंड थी तो उन चूंड में जो वे वही मौजदन में गाल थी थी तो ईस्ट पाकिस्तान वारन मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स के बिल्कुल रिजेक्ट कयो रिजेक्ट कयो इन कॉन्क्रीट टर्म्स बिन का बिनो भी मुस्लिम लीग को चूंढी आयो प्रोग्राम डायलॉग में अवां के बीहर खुश आमदीद चवां तो अचो तो जो हिसाब से गुफ्तगू जो सिलसिलो वरी शुरू क्यों था तो सही गाल पे थी पैरिटी 50s में अक्सरती सूबे वेस्ट पाकिस्तान के अक्सरती सूबे की तरफा उनकी डिमांड है उनते अमल वन यूनिट की सूरत में अजकल कुछ धुरियों इन सागी पैरिटी की गाल कन पे तो सूबा खुद मुख्तारी पैरिटी की बुनियाद जैमें सूबन के बराबर जहा हक हासिल हो इन बारे में समझो तो अज के दौर में यह रेलेवेंट ना है जैसे कि यह सागी कुछ दूर के पारा 50s में रेलेवेंट हुई पैरिटी की माना है इक्वालिटी तक खबर है तो बुर्जुआ डेमोक्रेसी है जैसे जैसे बुनियाद नेशन स्टेट्स ठयन यूरोप में से उसूल से ठयन तो जे भी नेशन जहाँ सिटीजन्स सभी इक्वल जे हंध ते न तो कम अज कम बिफोर लॉ इन लॉ ऑल द सिटीजन्स ऑफ ए स्टेट आर इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंसिस ऑफ कलर कास्ट क्रीड एंड सो ऑन माना इक्वालिटी जो है डेमोक्रेसी जैसे चेजो तो वे
जंहिंजे ख़िलाफ़ बि काफ़ी माण्हुनि खे दलील थी सघनि था त उहा वायबल आहे अमली आहे या न आहे उहा जुदा ॻाल्हि आहे पर बुनियाद ॻाल्हि हिन ते बीठो आहे हिन ते सभई मुतफ़िक़ आहिनि जेकॾहिं हिकु नेशन जे अंदरि इहा ॻाल्हि आहे त वॉट अबाउट नेशन्स नेशनल डेमोक्रेसी जेको उहा आहे स्टेट डेमोक्रेसी नेशन स्टेट डेमोक्रेसी पर इंटरनेशनल जेको मुल्क हुजे मल्टीनेशनलिस्ट मुल्क हुजे उन में जेका डेमोक्रेसी आहे सा कहिड़ी बेसिस ते क़ाइमु थिए जो उहा अमली तरह सां हली सघे ऐं मसाला पैदा न करे सघे उनजो मिसाल ख़ुदि पंजाब पाण ॾिनो त पाकिस्तान में जेकॾहिं हिकिड़ो सूबो ॿियनि सूबनि खां वधीक मेजॉरिटी रखे थो ऐं उहा इरिवर्सेबल आहे उहा बदिली सघे ई नथी त उन में पॉसिबिलिटी ऑफ रूल इन अ पीसफुल वे इन अ बेनिफिशियल वे पॉसिबल न आहे तंहिंजे करे पैरिटी कई वञे बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट बैंक पाकिस्तान हा बाक़ी रहियो वेस्ट पा जॾहिं हू विया हलिया निकिरी वॉट एवर बार द बैकग्राउंड ऑफ दैट रिस्पेक्ट ऑफ दैट त वेस्ट पाकिस्तान में बाक़ी रहिया साॻिया चारि सूबा जेके अलामा इक़बाल जे ख़्वाब में हुआ जंहिंमें हुन चयो हो त असीं चाहियूं था हिते हिते मुस्लमान जी हुकूमत थिए ऐं ॿियो जेको ग्राउंड हुन ते चयो त फ़ाइदो पवंदो सो इहो थींदो त दुनिया जे मुस्लमाननि खे इस्लाम जे रूह मुताबिक़ हुकूमत क़ाइमु करण जो असरे नओं मौक़ो थो मिले बेस्ड अपॉन द स्पिरिट ऑफ इस्लाम ऐं स्पिरिट ऑफ इस्लाम जे बेसिस ते असां हुकूमत क़ाइमु करे मुस्लमाननि जी असीं इहा ॻाल्हि बि साबित कंदासूं त अरब जेके हुआ से इम्पीरियल्स न हुआ अरबनि ते जेका इम्पीरियलिज़म जो आहे इल्ज़ाम उन खां बि इस्लाम जो या मुस्लमाननि जो मां इन इल्ज़ाम खां बची पवंदा इहे हुन टे ॻाल्हियूं कयूं हुयूं हिकिड़ो फिलोसॉफिकल जस्टिफिकेशन रैशनेल जेके चइबो आहे रैशनेल पाकिस्तान जे सिलसिले में ते पेश कयईं त हाणे जॾहिं 1970 में चूंडूं थियूं ईस्ट पाकिस्तान निकिरी वियो हलियो ऐं वेस्ट पाकिस्तान में रहियो जेको चई चारि सूबा रहिया त उन्हनि जी जेका आइन ठहे सा कीअं ठहे त नेचुरली जेकॾहिं इक्वालिटी खे ख़्याल में आणिजे हा ऐं इहा इहो मुतालबो कयो बि वियो जंहिं मुतालबे खे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे पंहिंजे होशियारीअ सां रिड्यूस करणु घुरियो उन खे ॼण त डाउन प्ले कयो जी डाउन प्ले करणु बि घुरियईं त बाबा सिनेट जेको आहे तंहिंमें इक्वालिटी हुजे ऑफ रिप्रेज़ेंटेशन जॾहिं तव्हां सिनेट में इक्वालिटी रिप्रेज़ेंटेशन जी क़बूल था कयो त कहिड़े बेसिस था क़बूलु कयो उते छो न पॉपुलेशन बेस ते छो न हुजे जेकर पॉपुलेशन जे ई बेसिस ते डेमोक्रेसी जी इलेक्शन रिप्रेज़ेंटेशन लाज़िमी आहे त पोइ सेनेट जी छो कहिड़ी ॻाल्हि विच में अची पई त छा साहिबु एतिराज़ आहे इहो न त इक्वालिटी तव्हां ॾिनी साबे ॾिनी फ़क़त सिनेट जे शेप में सिनेट जे सूरत में ऐं उते बि तव्हां फ़क़ति नाले मात्र ॾिनी ऐं तंहिंखां पोइ वरी जेके तव्हां सब्जेक्ट्स लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट जी दरख़्वास्त कई सा फ़क़ति कयव फेडरल ऐं कॉन्करंट सूबनि खे त को बि हिकिड़ो सब्जेक्ट तव्हां ॾिनो कोन ऐं साॻे वक़्तु तव्हांजी ब्यूरोक्रेसी मिलिट्रीअ जी या सिविल ब्यूरोक्रेसी सां बि तव्हांजे ई कंट्रोल में रहे त तव्हांजो नियत या तव्हांजो मुराद आइन ठाहिण में इहा ई हुई त हिकु सूबो जेको अव्हांजो आहे जेको मेजॉरिटी आहे उनखे मेजॉरिटी वारी बि हुजे टेक
ऐं साॻे वक़्तु जेको हुनजो आहे मिलिट्रीअ में या ब्यूरोक्रेसीअ में सवालेपणो हासिलु आहे उहो बि खेनि मुंहिंजी माना तव्हां ब्यूरो जेका पंहिंजी बालादस्ती ते क़ाइमु करणु घुरी ऐं उन मुताबिक़ उहा कॉन्स्टिट्यूशन 1973 ठही। इन सूरत में जेकॾहिं हितां जा माण्हू अॼु बि चवनि था त दादा जे हुते तव्हां पहिरीं टे घुरी त जॾहिं हीउ वेस्ट पाकिस्तान ठहियो आहे जेको 73 खां वठी हेसीं ताईं मसाला हली कोन था थियनि त हुते कम्युनल प्रॉब्लम कोन थिए हल थियो तव्हां विरहाङो कयो ऐं पाकिस्तान ठहियो उते इहो मेजॉरिटी मिनॉरिटी वारो मसालो न थिए हल थियो त उते पेरिटी करे तव्हां हल उन कयो ऐं वेस्ट पाकिस्तान में साॻियो कम्युनल प्रॉब्लम जेको मौजूदु आहे ॼण त सुबुह जे विच में उन जे हल करण लाइ उहा उन पेरिटीअ खे छो था इस्तेमालु कयो। जेकॾहिं पेरिटी बेसिस ते तव्हां ऑनेस्टली सिंसियरली सीरियसली अमल करे ऐं कॉन्स्टिट्यूशन में इहा ॻाल्हि आणियो इन लाइ इन तरह सां न जंहिं तरह सां तव्हां फ़क़ति ज़ुबान सां चओ था ऐं हथ सां फुरे वठो था ॻाल्हि खे ईअं न पर बिल्कुलु ख़ुलूस नियतीअ सां ऐं अमली तरह सां आइनी तौरु जुडिशियेबल ॻाल्हि थी पवे त जेकॾहिं उन में कंहिं क़िस्म जी ॻाल्हि थी पए त प्रोविंस कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ वेदर फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इवन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ। अच्छा साईं, हाणे अचूं था तव्हांजी ज़िंदगीअ जे हिकिड़े वॾे पहलूअ ते, सिंधी अदबी बोर्ड सां तव्हांजी वाबस्तगी। नाज़रीन खे ॿुधायो त सिंधी अदबी बोर्ड सां तव्हांजी वाबस्तगी कॾहिं खां केसिताईं रही ऐं तव्हांजे सेक्रेटरी रहण जे दौरान सिंधी अदबी बोर्ड कहिड़ा लैंडमार्क क़बूर कया? हाणे इहो मसालो जेको आहे 47 में मूंखे जो मदरस मां निकिरणो पियो साईं त मां बेरोज़गार रहियुसि। पोइ हिकु सुठे भाग वारो को ॾींहुं मुंहिंजो हुओ जो ठटे म्युनिसिपलिटी जो चेयरमैन मौलानो अब्बासी सो हिकिड़े दफ़े मुंहिंजे घरु अची निकितो। मुंहिंजो अॻे वाक़ुफ़ु न हो, अख़बार में उन काफ़ी अची वियो हुओ त किताबु निकितो आहे मदरसे जो बोर्ड जेको हिकिड़ो मास्तर आहे हीअं आऊं आहे त हू वीचारो आयो अचे मूंसां मिलियो चयईं त मुंहिंजे स्कूल में हाई स्कूल जेको आहे ठटे म्युनिसिपल हाई स्कूल आहे उते जो हेड मास्टर वियो आहे हलियो लॾे माइग्रेट करे इंडिया ऐं तूं अचे हेड मास्टर थी। पोइ हुनजी इहा आछ मूं क़बूल कई ऐं आऊं उते ठटे में आयुसि ऐं उन में तव्हांखे ॿुधी अजब लॻंदो त जेके 10 साल मूं नौकिरी कई मदरसे में त आई एंटर्ड मूं दाख़िलु थियुसि 70 रुपए पघार सां, पर 10 सालनि खां पोइ 5 रुपया पर ईयर इंक्रीमेंट मिलंदी हुई सां वञी 110 रुपया थी। त हुते मूंखे 200 रुपया मिली हेड मास्तरी जो पघार, इहो मूंखे फ़ाइदो पइजी वियो। साल ॾेढ उते नौकिरी मूं कई त ज़रूरत थी गवर्नमेंट सिंध खे त ठटे खे म्युनिसिपल हाई स्कूल खे पंहिंजे गवर्नमेंट कंट्रोल हेठि खणनि। उन ज़माने में सिंध जो गवर्नमेंट जो इहो उसूल हो त हर साल हिकिड़े तहलके या हिकिड़े तहलके जो हाई स्कूल प्राइवेट हुजे या लोकल बॉडी मैनेजमेंट जो हुजे उहो डायरेक्टली गवर्नमेंट पंहिंजे कंट्रोल में खणंदी। त पहिरियां ई खयूं सजावर जो हाई स्कूल, उते उहो न हली सघियुनि। पोइ डॉक्टर दाऊद पुटु उहो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन उन इहो फ़ैसिलो कयो त हाणे उन खे छॾे ऐं ठटे जो हाई स्कूल जेको आहे सो बिल्कुलु बुनियादु ठीकु अथसि, इन खे था पचो गवर्नमेंट स्कूल कयूं। पोइ जॾहिं गवर्नमेंट खयों स्कूल ठटे जो पंहिंजे कंट्रोल हेठि सिंध गवर्नमेंट त आऊं बि जेको स्टाफ हो सो गवर्नमेंट सर्विस में अची वियुसि। पोइ दे ट्रांसफर्ड मी, दे डिंट मेक मी हेड मास्टर एल्सवेयर, बट दे रिड्यूस्ड माई पे फ्रॉम 200 to 190 rupees। हिन बारे में मां तव्हांखे ॻाल्हाइण चाहींदुसि, पर हिन खां पहिरियां वठंदासीं नाज़रीन हिते वठूं था हिकु नंढो ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन,
अचो तो जो हिसाब से कचहरी जो सिलसिलो बीहर शुरू करूँ था सही गाल पे हली तवा कैरियर के हवाले से सिंध तिबी बोर्ड जी के उन्होंने बदली करे रखियो ट्रेनिंग कॉलेज फॉर मेन हैदराबाद में असिस्टेंट टीचर करे फ्रॉम ठट्टा हाई स्कूल उन जो जो गवर्नमेंट खयो उते साल खन नौकरी कई तो जी एम सैयद साई उन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दौर में एकड़ो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर सिंधी लिटरेचर कायम करायो हो जैसे पान वजीर थो तलीम जो पार्टीशन के करे हिंदू जो इतना हल्या वह तो उन सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर सिंधी लिटरेचर के कारगुजारी मज भी थोड़ी सुस्ती अची वही तो सैयद के ख्याल हो तो उन कम जो है सो छण घुर्ज जो सिंधी बोली में अदब में थोड़ी तरक्की थोड़ा वाधारो अच घुर्जे सो उन जमाने में मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हो गुलाम नबी आगा गुलाम नबी पठान 1951 में या 49 के एंड में उन्हें गाल कबूल कई तो यो फैसलो क्यों तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर सिंधी लिटरेचर भी कायम रहे पर एकड़ी हाई पावर एग्जीक्यूटिव कमेटी फॉर सिंधी लिटरेचर कायम करूँ तो जी वह हाई पावर एग्जीक्यूटिव कमेटी जो हुए जेके फैसला बोर्ड करे अदबी बोर्ड अदब के सिलसिले में उनते अमली जामो कमेटी हाई पावर एग्जीक्यूटिव कमेटी फॉर सिंधी लिटरेचर अमल करे उन लाइ उनके सेक्रेटरी जरूरत हुई उन जमाने में डॉक्टर बलोच विलायत में पीएचडी करे आयो हो उनके ऑफर कई तो डॉक्टर बलोच वह गाल कबूल न कई उनके वरी भी फेडरल मिनिस्ट्री में सेक्शन ऑफिसर की आछ हुई सो वह पान वह प्रेफर कयूँ वह कबूल कयूँ जी एम सद वरी मुझे नालो दिनो एजुकेशन मिनिस्टर के हाई पावर एग्जीक्यूटिव कमेटी फॉर सिंधी लिटरेचर तुम कायम कर घुरो था उन सेक्रेटरी जैसे बलोच न तो थे तो महमद इब्राहिम जोए के गाल कबूल थी वही उन तरह से मुकर थियुस एज एडहॉक अपॉइंटमेंट जी वरी साल का वरी रेगुलराइज कई वही सर्विस कमीशन के मार्फत उते एडवर्टाइजमेंट थी उन में मू आया उन में वरी मुख्य कन्फर्म क्यों एज सेक्रेटरी सिंधी लेबर बोर्ड हाँ तो असके मेंबर हुआ अपने कमेटी जहा तमें सैयद हो हुसामदीन हो डॉक्टर बलोच हो अड़ा अंसारी साहब हो उस्मान अली अंसारी हो ये फैसला जो थे तमाम सुठा प्रोजेक्ट सवाल हो प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ठाकुर प्रोजेक्ट्स हिस्ट्री प्रिपरेशन स्कीम ठही कलेक्ट कंपाइलेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ फोकलोर फोक लिटरेचर ओछो बेसिक डिक्शनरी सिंधी लैंग्वेज की जो अगे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की अगे थियल हुई फैसलो उन अमल थिए तर्जुमा थन किताब आउट ऑफ प्रिंट थी वन आउट ऑफ प्रिंट थी वन उहे वरी प्रिंट थन मार्केट में अचन मतलब त सिंधी लैंग्वेज एंड लिटरेचर के किस्म जो फरोग मिले वाधारो थे सिंसियर सीरियस मुस्बित अंदाज से कामयाबी थे मजमू तौर से सिंधियत भी बोर्ड से वाबस्तगी केतरो वर्षो रही 61 ताई यानी ये 10 साल थिया मुझे ख्याल में 49 का 50 का वी 61 ताई ये 10 साल मुख्य मौको मिलो
10 सालन में ये काफ़ी कम है जेके रिकॉर्ड जी ॻाल्हि आहे किताब काफ़ी निकिता इन मैटर ऑफ क्वांटिटी एज़ वेल एज़ क्वालिटी ऐं स्टैंडर्ड जेको आहे इल्मी ऐं अदबी क़िस्म जो वॾी ॻाल्हि सां इहा कई त जेको टेक्स्ट बुक्स आहिनि टेक्स्ट बुक्स से ॿियनि पब्लिशरनि खे ठीके ते मिलंदा रहंदा जो उहे जॾहिं छपाईंदा त उनमें चुकूं हूंदियूं हुयूं हीउ हूंदो हुओ बाक़ाइदे निकिरंदो सप्लाई कोन थींदी हुई पूरी त असांजे बोर्ड जो फ़ैसिलो कयो त जेके बि टेक्स्ट बुक्स आहिनि सिंधीअ जा उहे सिंधीअ जी बोर्ड लिखाए बि वाकई गवर्नमेंट जे सलाह सां जेके ठहनि छो निसाब जेको आहे करिकुलम सो गवर्नमेंट जो मसालो आहे उहे सभु पूरा अदबी बोर्ड जेको आहे सो पाण छापे ऐं पाण सिंध में डिस्ट्रीब्यूट करे त हिकु त फाइनेंशियली असीं थोरो इंडिपेंडेंट थी पवंदासीं गवर्नमेंट तां फाइनेंशियल बाल लही पवंदो ऐं असांखे मौक़ो मिलंदो सिंधी ॿोली जी ख़िदमत करण जो छो त जेकॾहिं टेक्स्ट बुक्स जी ॿोली सही छपजी अचे थी त उनजी जेका पढ़ाई आहे तदरीस जेका आहे उनजी तदरीस जेका टीचिंग आहे लैंग्वेज जी सा बि उहा इफेक्टिव असराइती थिए थी हिन बारे में मां तव्हांखे ॻाल्हाइण लाइ चवंदुसि पर हिन खां पहिरियां वठंदासीं नाज़रीन हिते वठूं था हिकिड़ो नंढो ब्रेक वेलकम बैक नाज़रीन अचो त जो हिसाब सां कचहरी जो सिलसिलो ॿीहर शुरू करियूं था तव्हांजे सेक्रेटरी हुजण जे दौरान तव्हां महिराण एडिट कयो ऐं शेख अयाज़ जी बहितरीन शायरी महिराण जे उन्हनि ई परचम में छॾी शेख अयाज़ सां पंहिंजी वाबस्तगीअ जे बारे में असांखे कुझु ॿुधायो ऐं जॾहिं मदरस बोर्ड में आयुसि त उनखां अॻु में मुंहिंजो कमु थियलु हुयो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टीअ जे वीकली अख़बार फ्रीडम कॉलिंग जे सिलसिले में बि उनखां अॻु में जॾहिं मां कॉलेज में पढ़ंदो हुउसि त 10 रुपया 20 रुपया त मुंहिंजे लाइ पूरी कोन थींदी पोइ ऐं पार्ट टाइम अलवहीद अख़बार में कमु कंदो हुउसि त अख़बारी दुनिया में सिलसिले में ऐं हुन में त गोया सहाफ़त जे सिलसिले में त जॾहिं महिराण रिसालो अॻे सिंधी अदब जे सिलसिले में अॻे सेंट्रल एडवाइज़र बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर सिंधी लिटरेचर उहो महिराण रिसालो अॻे कढंदो हुयो उहो बंदि थी वियो हुओ त उनखे रिवाइव बोर्ड कयो त उनजो एडिटर केरु थिए जेसि ताईं ॿियो को एडिटर मुक़ररु थिए तेसि ताईं मूं चयो त परवाह न आहे ऐं हू बि कमु कंदुसि हीउ बि तव्हांजो इहो आउं कमु कंदुसि पोइ अहिड़ी तरह सां मूंखे मौक़ो मिलियो 2 साल खनि फुल टाइम एडिटर थियण जो बि महिरां रिसाले जो उन में जेके पहिरियां मूं एडिटोर लिखिया उन पंहिंजो उन्हनि में पंहिंजे अदब जे सिलसिले में जेको मक़सदु हूंदा आहिनि उहे मूं ज़ाहिरु कया उन में ॻाल्हियूं कयूंसीं डिस्कशन थी ही हू ऐं हिकु क़िस्म जो जेके हाई लिटरेचर जेको आहे आला अदब जंहिंखे चइजे थो उनजो ख़्यालु दिलि में रखी वरी माण्हू बि हुजनि बोर्ड में अहिड़े क़िस्म जा सैद जहिड़ा ऐं डॉक्टर दाऊद जहिड़ा डॉक्टर बलोच जहिड़ा हुसामदीन जहिड़ा त कंहिं वक़्त में ख़ुदि अलामा आया काज़ी बि असांजे बोर्ड जो कुझु वक़्तु मेंबर रहियो पर एडवाइज़री तौरु ईंदा घटि हुआ बाक़ी असां हमेशह हुन सां सलाह कंदा रहंदा हुआसीं पोइ सलाहूं बि सुठियूं थियूं ऐं पैसा बि असांखे पंहिंजे मर्ज़ीअ मूजिबि मिलंदा रहिया ऐं उन्हनि जे सिलसिले में ख़र्चु पखे जी वारे मूजिबि बि हिकिड़ो क़िस्म जूं रिथाऊं जेके हुयूं से मौजूदु हुयूं जंहिंजे लाइ पैसो सुठो पियो इस्तेमालु थियो त इन ऑल हर ॻाल्हि में गोया असां पंहिंजे उन अदब जे वाधारे जे सिलसिले में जेको असां कमु थिए कयो उन में कामयाबी जी राह असांजे लाइ जीअं पोइ तीअं वसी खां वसी ऐं आसान खां आसान थींदी रही अयाज़ सां मुंहिंजी वाकफ़ु त वरी हिकिड़ी ॻाल्हि थी ज़ाती तरह सां त ऐं जॾहिं कॉलेज में पढ़ंदो हुउसि
न कॉलेज न हाँ कॉलेज पढ़ो तंखा मास्टर थियस त साईं जेम्स के बंगले में रहा हुस वो है मुस्लिम कॉलोनी सिंधी मुस्लिम कॉलोनी अगे होंगी या विठल भाई पटेल पार्क होंद हो विठल भाई पटेल पार्क जो हाँ निश्तर पार्क पार्क है उन बंगले के भरसा होंद हो बंगलो खान साहब मुरीद अली खान जो खान साहब मुरीद अली खान वो मानू हो जो वाइस प्रिंसिपल हो मदरसे जो जैसे आऊँ मदरसे में दाखिल थियस प्रिंसिपल दाऊद पोटो हो तंखा उन भरसा हो बंगलो खान बहादुर अयूब खान खोड़े जो उन भरसा बो हो तंखा चौथों नंबर जो बंगलो हो सो हो मोहम्मद दायम सिद्दीकी जो जो पछाड़ी जो कलेक्टर थे रिटायर जो उन्हें उन भाव मोहम्मद कायम होंद सिद्दीकी शिकापुर जो वही इनकम टैक्स कमिश्नर हो उन पुट से मुझी दोस्ती थी नालो हो जमाल सिद्दीकी जमाल सिद्दीकी उन जमाल सिद्दीकी सा जो दोस्ती थी पाड़े में हुआसूँ निकासूँ बाहर वगैरह तो उन गाल कई तो मुझे दोस्त है शिकारपुर जहा शिकारपुर में मुझे दोस्त है एक मू सो बिल्कुल अदब अदब के सिलसिले में बड़ो आ शायर आ हिं हूँ अयाज गाल कई अयाज की जो है तारफ मूसा उन जमाल सिद्दीकी वो साल का पोरे खुद जमा जमा अयाज पान भी इंटर पास करे हिते डीजेसन कॉलेज में बीए पढ़ आयो रूबरू से मुलाकात थी ते जमाने में मेहरान बिर सालो शुरू थी वो हो शायर तो उ पान भी गाल क्योंसे मज़मून में तो अस क्या पा में गरबा हुआसूँ गाल कहूँ एक बे के सिंधी अदब के बारे में उत्साहींदा हुआसूँ अड़ी तरह से अयाज जो सो पछड़े ताई आखिर ताई मूसा साथ रो तो वरी दोस्ती अड़ी पक्की थी वही जो मिट्टी माइटी भी थी वही अयाज से जो अयाज की वही धी जो है मुझी नुह है जे इत मैं रहा तो मुझे पुट मुजफ्फर आ न उन घर में है अस इतने रहूँ था पा तो पा गुजारे वह तंसा मुदे भी उन जो वास्तो है सजे फैमिली से शादी कई इतना हैदराबाद में सोल्जर बाजार में शेखर रहा उन घर वह शादी इन तरह से थी जो एक दफे आंजे गोठ आबाद का डकी का गाड़ी में चढ़ी कराची पे थे वस त लकी सन माजंद बुढ़ापुर इन विच में गोठ है भिया जो उन भिया में एवी क्लासिस हूँ उन एवी क्लासिस में जो हेडमास्टर हो सो मुझो उस्ताद हो एवी क्लासिस में सन में नालो होस मिस्टर फैज़ मोहम्मद मेमण उन वो भा जो होस वो जी एम साहब जो ट्यूटर थी रो हो अंग्रेजी उन सीख हो सैयद साहब सैयद साहब स्कूल में को सीख हाँ जैसे गाड़ी में आयुस थे पे तो उन गाड़े में साई साई या फैज़ मोहम्मद भी अच्छे चढ़ो उन गाड़े में आयो थे हैदराबाद तो गाल कदे कदे पुछें तो तुम मदरसे मास्टर आयो तुम शादी कई आ शादी जो कार कई चई कर घुरो था मुझे हाफ साई मां शादी कर घुरा तो पर अड़ो को मौको थे तो कदासूँ चई तो मऊ शादी कई है हैदराबाद में एक फैमिली मजा जो तू चवी तो आऊँ उत्ते गाल छड़िया तुझी शादी में कराई छड़ा मुझे साई तू मुझे उस्ताद आई पी बची बराबर आई तक चमें गाल तो करा तो नंढे हूँ मैं जाओ होस न तो बिन साल भी घट मुझी उम्र ही तो मुझे पी गुजारे वो हो तो चुम सही तुम मुझे पी के बराबर आयो उस्ताद भी आयो भली इन सिलसिले में उन गाल कई उन शेख फैमिली से जिता पा शादी कई है वहाँ वरी बिन जात की गडल फैमिली हुई अंसारी ए शेख पा में गडल हुआ शेख मजा उन कही इंसारी अंसारी फैमिलीज मजा अंसारी फैमिली वही शेख की फैमिली से मा गडल गया शेख की फैमिली मज एक कुटुंब हो खानदान हो
जेके तमामु मिसकिन ग़रीब शरीफ़ तबिया जा माण्हू हुआ, उन्हनि मञा जेका वॾी थी उन्हनि जी, तंहिं सां मुंहिंजी निस्बत थी। ऐं उहा आहे 44 में या 43 में। औलाद केतिरो आहे तव्हांजो? मूंखे औलाद साईं 4 पुट आहिनि ऐं 2 धीअ। ॿिनि ॼणनि मां हिकु धीउ जेका मुंहिंजी वॾी पढ़िया सभई, हीउ मुंहिंजो ॿियो नंबर पुटु आहे मुंहिंजो मुज़फ़र, उहो हींअर चीफ इंजीनियर आहे इरीगेशन में। ऐं हिन खां वॾो जेको आहे मुनवर अली, सो आहे फेडरल प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान जी प्रेस जेका आहे कराचीअ में, उनजो मैनेजर आहे। ऐं उहो ख़ैर सां 60 सालनि ताईं हिते पहुतो आहे, छाकाणि त 46 में हुनजो जनमु थियलु आहे। हा, उहो पहिरियों मूंखे पुटु उहो ॼाओ, हाणे रिटायर करण वारो आहे। ऐं टियों पुटु मुंहिंजो आहे महबूब अली, मुंहिंजे ॾाॾे जो नालो मथे रखियलु आहे, उहो आहे टेलीफोन जो डायरेक्टर हींअर कराचीअ में। ऐं चोथों नंढे में नंढो आहे मंसूर अली, उहो डॉक्टर आहे हिते, जेको आहे वाधू आहे, उते वाधूअ में जेको गवर्नमेंट डिस्पेंसरी आहे उन में आहे मेडिकल ऑफिसर आहे। पुर नई वॾी धीउ मुंहिंजी जेका हुई नीलोफर, उन बि एम ए कई, बी टी कयईं, ऐं मॉडल स्कूल में मास्तरियाणी हुई, पर उहा हुनखे बीमारी थी पई, वीचारी उहा गुज़ारे वई। हिकिड़ो पुटु ऐं टे धीअ ॼणे गुज़ारे वई। ॿी जेका मुंहिंजी धीउ आहे नरगिस, उहा बि उन बी ए पास कई, पर उहा हाउस वाइफ थी आहे। ऐं उन खे बि ॿ पुट, हिकु धीउ आहे, हिकिड़ो पुटु हुन जो हींअर इंग्लैंड में पढ़े थो, ऐं ॿियो पुटु हींअर आहे इलेक्ट कंपनी आहे जेका कराचीअ जी, उन में इंजीनियर आहे। ॿी उन बि कई आहे। सो असांजा जेका सॼी फैमिली आहे सभई, पोइ पुटनि जा पुट, उन्हनि जा पुट, आई एम नाओ ग्रेट 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 ग्रैंड फादर। पोटा, पड़ पोटा, तड़ पोटा। जो साहब तव्हां सां गुफ़्तगु जो सिलसिलो जारी रहंदो, नाज़रीन ते वठंदासीं हिकिड़ो नंढड़ो ब्रेक। प्रोग्राम डायलॉग में नाज़रीन, ऐं तव्हांखे ॿीहर ख़ुशि आमदीद चवां थो। अचो त जोयो साहब सां गुफ़्तगु जो सिलसिलो ॿीहर शुरू करियूं था। साईं जोयो साहब, ॻाल्हि पई हली तव्हांजे ख़ानदान जी। साईं, मुंहिंजी जेका पहिरियों घर मुंहिंजो हो, जंहिं उहो उन मञा मूंखे पुटु ॼाओ मुनवर वॾो, हुन खां पोइ उहा मुंहिंजी घरवारी फौत थी वई। पोइ उन जे भेण सां वरी मुंहिंजी निस्बत थी, उन मञा मूंखे टे पुट ऐं ॿ धीअ थियूं, जंहिंजे बारे में तव्हांखे ॿुधायो। ऐं ख़ासि तव्हां सां इहा ॻाल्हि करणु घुरां थो, हीअ त जेके माण्हू शहर में अचे रहनि था न साईं, ॿ अॾे मां निकिरी या ॿ अॾे मंझि आहिनि, ऐं जेकॾहिं पंहिंजे ख़ानदान जे सिलसिले में हू इल्म ॾांहुं तवजो कनि था पिया, त हू कामयाबु थियनि था। हीअ ज़मानो जेको आहे से इल्म जो दौरु आहे। जेके बि ॾिसो था हींअर सिंध में मुस्लमान मिडल क्लास वग़ैरह जा से, या मास्तरनि जा, या हेडमिशन जा, या गवर्नमेंट ॿियनि मुलाज़मतुनि जा, या कंहिं मानी मच माण्हू जेके हिमत कई त उन्हनि जा पुट पढ़ी पिया आहिनि ऐं अॻिते वधी ऐं आया आहिनि, ऐं ज़िंदगीअ में तमामु हिकिड़ो आलीशान पंहिंजो किरदारु निभाए रहिया आहिनि। बहराड़ी जेका असांजी आहे, तंहिंखे तव्हांखे सॼी ख़बर आहे त केॾी पस्त पियल आहे, केॾी गुरबत ज़दा आहे, ऐं केॾी इल्म ऐं जंहिं ॻाल्हि जे सिलसिले में। ऐं वॾे में वॾो जेको असांजो जेको हिन तकलीफ़ वारी ॻाल्हि आहे सा आहे क़बाइलियत, ट्राइबलिज़म। ट्राइबलिज़म जेसि ताईं कंहिं क़ौम में आहे अमल पैरा, उन जे सिलसिले में माण्हू तमामु आहिनि वधीक हसास, त उन्हनि जो जहिड़ो
झगड़ो खाम खराबी अमुन अमान तेज में तमाम बड़ा मसला पैदा थी पवन था। इन सिलसिले में बार पढ़ा उन सुठो शहरी बनाण जी मसलो भी है। एकड़े मानू जी गाल पढ़ी वो फिलोसफर है तो आम तरह से सवाल उठो है तो इंसान जो जिंदगी जो मकसद कहो आ तो उनो मकसद यो बुधा तो जन सभी के छे करो ही मकसद इंसान के जिंदगी हो तो औलाद कहो तो पैदा करे कामयाब नाकाम साले ताले जो साले औलाद पैदा तो मू करे तो यो भी जिंदगी जो मकसद जो को है जिंदगी वो जन मकसद पूरा कर हर पढ़ल मानू जो ख्याल होना घुर्जे। इन सिलसिले में पढ़ल ही मानू जो सो बाखबर रहे तो इन माना में खानदानी गाल तो करें तो जे मुझा पोटा पड़ पोटा पड़ पोटू सब पढ़ल हुन मसलन हि जो जै घर में रहा तो शेख अयाज की जगह न्याणी आ सब मुझे नुह है उन कुटुंब आ तेके छह न्याणियों उनके पुट को पर छह ही न्याणियों जे से तमाम वे आला तलीम करी डॉक्टरानी है जो जिनकी शादी थी चुकी है उन औलाद थल बी डॉक्टरानी है डेंटिस्ट सर्जन आन जो शादी में छोड़ छियों अस पुट को पेंडल भी ना एकड़ी छोकरी जी एम बी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डबल ग्रेजुएशन वी रही है। बीड़ी असि निगरी है सा बीई पढ़ल है जो गवर्नमेंट सर्विस में है हिंदर सुठी चौथी छोकरी जी है सा एम ए कल है तलीम के सिलसिले में उन पान के स्पेशलाइज किया मॉन्टेसोरी स्पेशलाइजेशन ही आखिरी निगरी साई जगह सा मैट्रिक पास करे कॉलेज में पी आ तो मतलब है असके घुर्जे तो जो घणो थी सके ओतरो औलाद के पढ़ायूं जिंदगी जो जुद जुदोजहद है द फाइट फॉर लाइफ उनमें उनके इक्विप क्यों वेल इक्विप्ड होजन उन में ही असांजी कामयाबी आहे। वॾी ॻाल्हि त ट्राइबलिज़म खां असांखे बचणु घुर्जे। ट्राइबलिज़म इन में मूं चयो आहे असांजी आहे सिंध डेमोक्रेटिक पार्टी ठही उन जो उसूल जेके असां ठाहिया त उहो आहे ई आहिनि त इंसान ज़ात जा अगरि बनींदो इंसान जा टे हींअर भाङ आहिनि हिकिड़ो फ़र्द ॿियो ख़ानदान ऐं टी क़ौम विच में जेके ज़ातियूं जातियूं मज़हब जे सिलसिले में फ़िरका उहे ई जेके उसूल आहे डेमोक्रेसी जो त ऑल पीपल आर इक्वल विद इन द नेशन एंड ऑल नेशन्स आर ऑल्सो इक्वल सो फार एज देयर जॉइंट लिविंग इज़ कंसर्न इन अ मल्टी नेशनल एज अ मल्टी नेशनल स्टेट जंहिंजो असांखे रोल मॉडल सोवियत यूनियन ॾिनो ऐं हाणे स्विट्ज़रलैंड में बि आहे हाणे यूएसए में बि आहे ऐं हाणे असीं बि जेकॾहिं चाहियूं त असांखे हक़ थो पहुचे त असीं मल्टी नेशनल स्टेट आहियूं मल्टी लिंगुअल कल्चर असांजो आहे असीं बि जेकॾहिं इक्वालिटी ऐं पैरिटी जेका तव्हां पाण ॻाल्हि कई उहो उन ते असीं अमल पैदा थींदासूं त आउं भायां थो त असांजो मसालो जेको आहे सो घणेई मसाला आहिनि उहे हल थी सघनि था सियासी। अच्छा सी तव्हां सिंध क़ौमी इतिहाद ठाहिण में या ठहिराइण में अग्रा रहिया तव्हांजी पूरी लाइफ जीअं तव्हां ॿुधायो त एम एन राय खां मुतासिर थियणु सोशलिज़म जागीरदारी जे ख़िलाफ़ु स्टांस इहे सभु शयूं सिंध क़ौमी इतिहाद में तव्हांजो उन्हनि सां गॾु विहणु इहे मुतज़ाद शयूं आहिनि इनखे कीअं डिफाइन कंदो। सिंध क़ौमी इतिहाद त मुतज़ाद काई काई ॻाल्हि कान्हे असांजो त इहो बुनियादी मर्कज़ी अहम में अहम जेको आहे ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ जेका आहे बहितरीन थी सघे थी कंहिं माण्हू लाइ त पंहिंजे क़ौम जे भलाईअ लाइ पंहिंजे क़ौम जे पधीअ जे लाइ पंहिंजे क़ौम जे उरूज जे लाइ ऐं आज़ादी जे लाइ
इन खां वधीक ॿियो मक़सदु आला ज़िंदगी में कहिड़ो थी सघंदो? असां क़ौमी सुवाल हमेशह सलाहियल रहियो आहे क्लास क्वेश्चन्स, तव्हां क़ौमी सुवाल जे लाइ क्लास क्वेश्चन तव्हां हथु खणो या तव्हां क्लास क्वेश्चन खे हल करण जे लाइ क़ौमी सुवाल तव्हां हथु खणो, ॿई सूरतूं क़ाबिले क़बूल नथियूं थी सघनि। हीउ जेको सॼी इंसान ज़ात जो इर्तका थी आहे, तंहिंखे हज़ार हा साल गुज़री चुका आहिनि। मसलन ॿोली खणो, ॿोली हिकिड़ो एसेट आहे इंसाननि जे लाइ, एज़ अगेंस्ट नॉन ह्यूमन लाइफ ऑन वन साइड, ह्यूमन लाइफ ऑन द अदर साइड। द डिस्टिंक्शन दैट ह्यूमन्स हैव गॉट एसेट इन द शेप ऑफ लैंग्वेज, हुननि खे नाहे। अच्छा, हा, उन लैंग्वेज खे उभरण में वधण में केतिरो उमिरियूं रिवोल्यूशन मां गुज़रे। हा, साॻीअ तरह सां अख़लाकियात आहे इंसान जूं, सिविलाइज़ेशन, सिविल सोसाइटी, सिविल मैनर्स एंड सिविल कॉन्डक्ट लाइफ में, उहो बि शुरूआत खां वठी जीअं पोइ तीअं बहितर खां बहितर, बहितर खां बहितर थींदो रहियो आहे, थींदो रहियो आहे, ऐं अञा हुनखे वधण लाइ, इम्प्रूव करण लाइ घणी 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 ॻाल्हि घुरिजे। त हीअ ॻाल्हि ॼाणूं कई त माण्हू जी बराबरी जेका आहे असां क़ौमुनि ताईं अचे बेस बंदि थी आहे, अञा क़ौमुनि जी बराबरी जो मसइलो असां तय इंसान राति कयूं कोन्हे। त क़ौमुनि जे बराबरी जो सुवालु जेके असां वटि आहे, त क़ौमुनि जी बराबरी ऑन द फील्ड ऑफ एजुकेशन बि थी सघे थी, के पढ़ियल आहिनि के अनपढ़ियल आहिनि, इहो फर वॾो फ़र्क़ु आहे, के ग़रीब आहिनि के मालदार आहिनि, इहो वॾो फ़र्क़ु, क्लास जो बि फ़र्क़ु आहे, कल्चर जो फ़र्क़ु आहे, इल्म जो फ़र्क़ु आहे, ॼाण जो फ़र्क़ु आहे, ख़बर जो फ़र्क़ु आहे। उहो त अमली तरह सां उन ते त ज़रूरु थींदो रहंदो, पर सियासी तरह सां पॉलिटिकली जेसिताईं उहा हिकु क़ौम इंटीग्रेशन उनजी न थी आहे, यकजहती क़ौम जी न क़ाइमु कई वई आहे, तेसिताईं उहा क़ौम क्लास क्वेश्चन खे अटैम्प्ट करे सघे ई नथी। क्लास क्वेश्चन, ट्राइबल क्वेश्चन, कास्ट क्वेश्चन, रिलीजियस क्वेश्चन, जेसिताईं इहे ख़तमु न थी विया आहिनि एज़ फैक्टर्स फॉर डिवीजन अमंग द पीपल, तेसीं ताईं इंसान क़ौम पंहिंजो वजूदु जेको आहे, क़ौमी वजूदु, तंहिंजे इम्कानात जेके हुनजे सुधारे जा, वाधारे जा, इस्लाह जा आहिनि, से हुनजे साम्हूं सम्झ में ई नथा पूरी तरह अची सघनि, चइजाए की हुननि जो अमल जो का सूरत निकिरी पवे। तंहिं करे पहिरियां ई पहिरियां असांजे सिंधी क़ौम खे क़ौमी लिहाज़ सां इक्वालिटी पंहिंजी पाण में आणणु घुरिजे, ऐं इहे जेके फ़र्क़ आहिनि मज़हब जे नाले ते, रंग जे, नसल जे बारे में, इल्म जे बारे में, या ख़ुदि शाहूकारी ऐं ग़रीब जे बारे में, इन्हनि खे जीअं पोइ तीअं घटाइजे, जीअं पोइ तीअं घटाए, जीअं पोइ तीअं घटाइजे, ऐं प्रोसेस जेको एवोल्यूशन जो आहे, सोशल एवोल्यूशन जो जेके चऊं था, या कल्चरल एवोल्यूशन जो, इहो असांखे ॿुधाए थो त प्रॉपर्टी जेका आहे, इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी इज़ द लास्ट थिंग टू बी टैकल्ड। Before we tackle the problem of equality on the basis of property and possession, property, before that we can tackle other grounds of inequalities. In the bare mein ma taake galana chahus par inka pehla uthana se ko break nazreen te utho tha ek minute break. Welcome back nazreen. अचो त जो हिसाब सां कचहरी जो सिलसिलो ॿीहर शुरू करियूं था। सो इम्प्रेशन जेको बीहे थो तव्हांजी गुफ़्तगु मां, उहो इहो आहे त पहिरियां नेशनल क्वेश्चन जेको आहे उहो सॉल्व थिए, जी हा, बिल्कुलु, ऐं क्लास क्वेश्चन उनखां बाद जी ॻाल्हि उन सां गॾु थींदो रहंदो, उन सां गॾु थींदो रहंदो, जेतिरो जेतिरे क़दुरु तव्हां पंहिंजो इक्वालिटी आणींदव पंहिंजे क़ौम में, मज़हब जे सम्झ सेक्युलरिज़म आहे, हाणे सेक्युलरिस्ट असीं थी पऊं त हिकिड़ो वॾो कदम खणी पवंदो टूवर्ड्स इवन क्लास इक्वालिटी आल्सो, टूवर्ड्स इक्वालिटी डायरेक्शन में। हा, उहो बि हूंदो, उहो बि हूंदो, पर साइमल्टेनियसली बि उनखे माण्हू खे प्रिपेयर थो करे न, इट्स अ प्रिपेरेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी ऑन डिफरेंट लेवल्स, उन लाइ जेको बि कोशिशि कजे थी, इट्स अ उन हिकिड़े प्रोसेस मज़ा, दस्तूर मज़ा
अॻिते वधे थी सॼी कामयाबी। यूरोप में हींअर इनइक्वालिटी आहे क्लास जी, तंहिं हूंदे बि कल्चरली या सोशली हू केॾो लिबरेटेड आहिनि ऐं केॾे आला पाए ते हुननि जी ज़िंदगीअ जो जेको मयार आहे सो केॾो। हा यस साईं, अॼोकी सियासी सूरत हाल में सभु तव्हांजे साम्हूं आहे, तव्हांजी नज़र में हिन सूरत हाल मां निकिरण लाइ छा मुमकिन हल थी सघनि था? अॼोकी सूरत हाल जो जेको वॾे में वॾो फैक्टर आहे, ॾाढो रुकावट अॻिते वधण जे लाइ दुनिया जे मयारनि, सियासी मयारनि जे कसौटीअ ते रखी मां ॻाल्हि थो करियां, उहो आहे पाकिस्तान जो ख़ुदि वजूद, जेको मज़हब जे नाले ते ऐं फिरके वारीअ ते मुनहसरु आहे। जेकर फिरके वारीअ जो बुनियादु असां मथां निकिरी वञे ऐं असीं दुनिया जे आज़मूदे मां सबक़ु हासिलु करे ऐं चऊं त रिलीजन एंड पॉलिटिक्स मस्ट बी सेपरेट, जंहिंजे हासिलु करण सां या एडॉप्ट करण सां असीं मज़हब खे बि कोन था छॾे सघूं। अमेरिका हैज़ नॉट गिवन अप रिलीजन, इंग्लैंड आर यूरोप हैज़ नॉट गिवन अप रिलीजन, रिलीजन इज़ नॉट द इशू। सो रिलीजन उहो हुन इन करे हासिलु करे सघिया आहिनि जो दे हैव फ़ैसिलो करे वरितो आहे अमली तरह सां, चाहे उहो पोप हुजे, इवन द पोप ऑफ कैथोलिक पोप एंड कैथोलिक एट इट, उहो बि तव्हांखे चवंदो त वेल वी एक्सेप्ट दी सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। त हिकु त इहा ॻाल्हि पाण खे करणी आहे उहा थिए, ऐं ॿियो त जंहिं बुनियाद ते पाकिस्तान ठहियो हो इक्वालिटी ऑफ नेशन्स ते, उन ते असीं अमल करियूं। जेको असांजो कॉम्पैक्ट थियलु आहे, कॉन्ट्रैक्ट थियलु आहे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियलु आहे इन द शेप ऑफ पाकिस्तान रेज़ोल्यूशन, दैट दी कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स ऑफ पाकिस्तान विल बी इक्वल एंड सॉवरेन, ऑटोनमस एंड सॉवरेन। त इन में जेको उसूली तरह सां ख़ुदि 1973 जे कॉन्स्टिट्यूशन में मञियल आहे, पर अधो गाबरू मञियल आहे, बदनीयतीअ सां मञियल आहे, कम अज़ कम नेक नीतीअ सां मञियल न आहे, कम अज़ कम नेक नीतीअ सां हुते अमल कोन थो थिए। मञण खे मां छॾियां थो खणी, मञूं था त नेक नीतीअ सां क़बूलु कयल आहे त बाबा असीं बराबरि मुस्लमान सभु भाउर आहियूं, इक्वल आहियूं ऐं क़ौमूं सभु बराबरि आहिनि, चवण में सवली ॻाल्हि आहे, पर अमल ई तरह सां जेकॾहिं इहो फ़ैसिलो थी वञे त कॉन्स्टिट्यूशन में असांखे अहिड़ी ठाहिणु घुरिजे जंहिंमें असांखे ऑटोनॉमी एंड सॉवरेनिटी जेका आहे सा असांजी सिक्योर हुजे। साईं, कुझु हल्कनि जे तरफ़ां नई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जी ॻाल्हि थी रही आहे, त नई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अचे, जेका नओं कॉन्स्टिट्यूशन ठाहे जेको क़ौमनि जे बराबरी जे बुनियाद ते हुजे ऐं तमामु वफ़ाक जोड़ींदड़ रियासतूं उहे सेल्फ गवर्न, उन्हनि वटि सेल्फ गवर्नेंस हुजे ऐं उहे इक्वल हुजनि, उसूल जेको आहे न सो जेकॾहिं साफ़ थी ऐं मञिजी वञे न ऐं क़बूल थी वञे त पोइ उनखे अमल में आणण लाइ रस्तो कहिड़ो वठिजे, उहो उनजो दारो मदार हालात ते आहे। मसलन जेकॾहिं उसूल थो मञी वञिजे त जेके पाकिस्तान जूं क़ौमूं आहिनि, सिंधी क़ौम आहे, उनखे रेकग्निशन तस्लीमी तौरु रेकग्निशन, ऐं बलोच क़ौम आहिनि, पख़्तून क़ौम आहिनि, पंजाबी क़ौम आहिनि, ऐं इवन सराइकी हाणे चवनि था प्यासी क़ौम आहियूं, उहे क़ौम आहिनि, इहे पंज क़ौमूं आहिनि। कश्मीर खे क़ौम करे मञियो वञे थो, ॾिसो कॉन्ट्रडिक्शन्स कहिड़ियूं आहिनि। कश्मीर खे क़ौम जी हैसियत में सॼो जदोजहद करे रहिया आहियूं, मुस्लमान जी हैसियत में कोन था चवनि अॼुकल्ह। हा, कश्मीर क़ौम, जेकर कश्मीर बि क़ौम आहे त पोइ सिंधी क़ौम छो न आहे? जेकॾहिं अफ़गान बि क़ौम आहिनि अफ़गानिस्तान जा, त पोइ पंजाबी छो न क़ौम आहिनि? ईरानी जेकॾहिं क़ौम आहिनि मुस्लमान सभई, त बलोच क़ौम छो न आहिनि? त हिकिड़ो उसूली तरह सां रेकग्निशन मिली वञे, क़बूल कई वञे, त वीनामे ते असां आहियूं पाण में,
पाकिस्तान कायम कयो अथऊं उन सां असीं वफ़ादार आहियूं उन ते अमल करण लाइ पहिरियों पहिरियों उन खे क़बूलु करियूं था त असीं क़ौमुनि जो मजमू आहियूं क़ौमुनि जो मजमू आहियूं पोइ उन्हनि क़ौमुनि जो मजमू में असीं अटानमी ऐं सॉविनटी असांखे क़ानूनी तरह सां या आइनी तरह सां मिले असां कीअं मिले उहो आसानीअ सां थी सघे थो पहिरीं ॻाल्हि आहे जेकॾहिं इहा मञी वञे त पोइ इवन द प्रेज़ेंट कॉन्स्टिट्यूशन जेका आहे तंहिंखे कैन बी अमेंडेड दैट वे आर इवन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी फॉर्म फॉर्मुलेटेड इन फॉर्म दैट वे विदाउट मच एडो द ही देयर इज मच एडो अबाउट नथिंग एंड दैट नथिंग इज़ द बेसिक थिंग अच्छा साईं आख़िर में तव्हां सिंध जे आम माण्हू लाइ सिंध जे नौजवान लाइ कुझु चवणु चाहींदो क़ौमी भलाई जेकॾहिं पाण खे करणी आहे सिंधी क़ौम खे जे जी असांखे भलाई जेकर साम्हूं रखणी आहे त ज़ाहिरु आहे त असीं हिकु सुठी क़ौम बणिजूं बाअख़लाक क़ौम बणिजूं हिक ॿिए सां मुहबत कंदड़ क़ौम बणिजूं हिक ॿिए जो ॾुख सूर में असीं भाईवार थियणु सिखूं ऐं इन लाइ जेके असां में फ़र्क़ आहिनि से फ़र्क़ असां सां मिटजनि चङा आहिनि वॾे वॾी ॻाल्हि आहे इट्स इंटेलेक्चुअल रेफॉर्मेशन ज़हनी इस्लाह असांखे घुरिजे असांखे रोशन ऊंदहि मां अपस्टूरंटिज़म खां अपस्कूरंटिज़म मां निकिरी असांखे इनलाइटनमेंट में अचणो आहे पहिरीं ॻाल्हि आहे ॿी ॻाल्हि त जेका सोशल जो असांजो इनइक्वालिटी आहे जीअं मूं चयो त ज़ातियुनि जी ज़ात पात जो फ़र्क़ु ऐं कबीलाई फ़र्क़ु असीं पाण मां कढूं को बि माण्हू पंहिंजे कबीले ते फ़ख़ुरु न करे को बि माण्हू ज़ात ते फ़ख़ुरु न करे सिंधी हुजण ते फ़ख़ुरु करे इंसान हुजण ते फ़ख़ुरु करणु घुरिजे ऐं सिंधी हुजण ते फ़ख़ुरु छाकाणि त ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ ह्यूमैनिटी द नेक्स्ट स्टेज इज़ इक्वालिटी अमंग द होल मैनकाइंड उहा इक्वालिटी अमंग द होल मैनकाइंड जेका सां हासिलु थी सघंदी जॾहिं इक्वालिटी अमंग द नेशन्स पैदा थींदी असांजो सिंधी क़ौम हींअर जेका आहे तमामु ॾुख में आहे ग़ुर्बत में बि आहे जहालत में बि आहे नाइंसाफ़ी जो बि शिकार आहे सो रुगो इन करे जो असांजी पाण में वधी कान्हे पाण में इंटेग्रिटी यकजहती कान्हे ऐं यकजहती छो न आहे छाकाणि असीं मज़हब ते पाण में विढ़िया पिया आहियूं असीं फिरकनि जे में विढ़िया पिया आहियूं असीं कबीर जे हालत में विढ़िया पिया आहियूं पढ़ियल अनपढ़नि जे सिलसिले में विढ़िया पिया आहियूं पढ़ियल पाण खे ऊचो थो सम्झे अनपढ़ जेको आहे सो उनखे घटि थो पियो सम्झे त इहो जो बहितर अप्रोच आहे सा असांखे इन ह्यूमनाइज़ेशन आहे ह्यूमनिज़म जेको आहे सो असांखे अपनाइणु घुरिजे क़बूलु करणु घुरिजे पंहिंजे करेक्ट स्पिरिट में अमल कजे सम्झणु घुरिजे उन ते अमल पूरी साईं मोहम्मद इब्राहिम जो साहिबु तमामु वॾी महिरबानी तव्हां पंहिंजी कीमत असांजे लाइ कुझु कढियो ऐं वीचारनि खे असां सां वञो नाज़रीन तव्हां मोहम्मद इब्राहिम जोयो सां गुफ़्तगु ॿुधी जाइ ते दिलचस्प हुई मोहम्मद इब्राहिम जोयो साहब गुज़िरियल तक़रीबन हिकु सदीअ जे टिनि हिसनि दौरान गुज़िरियल तमामु वाक़िअ हादसनि रहिया आहिनि हुननि जो मुशाहिदो कयो अथऊं ऐं यकीन अॼोकी गुफ़्तगुअ मां मूंखे उमेदु आहे त असांजी सोसाइटी सबक़ु वठंदी साईं जे ॾिसियल तजवीज़ुनि साईं जे ॾिसियल सलाहुनि ते अमल कंदी तव्हांजी तमामु वॾी महिरबानी सदाई